छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बीजेपी के वरिष्ठ आदिवासी भाजपा नेता नंद कुमार साय के आरोपों पर कहा कि उनकी उपेक्षा को लेकर उस समय के भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ही जवाब दे सकते हैं। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि नंद कुमार साय नाराज नहीं है और लगातार मिलते जुलते रहते हैं। निजी दौरे पर बिलासपुर आए डॉक्टर रमन सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान सवालों का जवाब देते हुए यह बात कही। उनसे पूछा गया था कि हाल ही में वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी ने उनकी उपेक्षा की है। इस आरोप के बारे में पूछे जाने पर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि पिछले 15 साल में कितना क्या हुआ, इसके बाद महानदी में काफी पानी बह गया है और कई नई धाराएं बह गई हैं। उस समय क्या हुआ इस बारे में उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछा जाना चाहिए। इन बातों का जवाब डॉक्टर रमन के पास नहीं है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने यह भी कहा कि नंद कुमार साय नाराज नहीं है, वे लगातार मिलते जुलते रहते हैं। डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बैठ गई है, हालत ऐसी है कि केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए भी पैसा नहीं दे पा रही है। इसी वजह से प्रधानमंत्री आवास योजना से छत्तीसगढ़ को पृथक कर दिया गया है, इससे छत्तीसगढ़ में करीब 14 लाख मकान नहीं बन पाएंगे और इसका नुकसान गरीबों को होगा। उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में 2017 से रेडी टू ईट का संचालन महिला स्व सहायता समूह को दिया जा रहा है। अब स्व सहायता समूह के महिलाओं से इसे वापस लेकर हरियाणा के प्राइवेट ठेकेदार को दिया जा रहा है, इससे बड़ी संख्या में महिलाएं बेरोजगार हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि कमीशन खोरी करने वाले क्या जवाब देंगे। रमन ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार धान खरीदी के लिए बारदाना का इंतजाम नहीं कर पा रही है और केंद्र पर उल्टा आरोप लगा रही है। किसान आंदोलन में मरने वाले किसानों को शहीद का दर्जा दिए जाने के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि इसका फैसला संसद को करना है। बोलता था 40,000 करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है और पूरी अर्थव्यवस्था बैठ गई है, सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। उसके दो उदाहरण है। पहला उदाहरण ये है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करने की ताकत जिस सरकार के पास नहीं बची हो। पहले बजट जैसे ही बनता है किसी राज्य सरकार का, तो पहला प्रावधान होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की योजनाओं के मैचिंग ग्रांट के लिए फंड की उपलब्धता। यदि बजट में नहीं होता तो सप्लीमेंट्री में उसको हम लोग रखते हैं और ये प्राथमिकता रहती है। तो सबसे बड़ा फेल्योर जिसके बारे में मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ, दो मुद्दे के बारे में जो सबसे बड़ा डैमेजिंग है। पहला विषय है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो लेटर आप लोगों के माध्यम से जनता तक गया है, जिसमें केंद्र सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी ने एक पत्र लिखकर भूपेश सरकार को ये कहा है कि 7,60,000 मकान आप केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृत पैसे की स्वीकृत राशि के बाद भी आप इस मकान के क्रियान्वयन करने में असफल हुए हो, 40% राशि देने में असफल हुए हो, अतः केंद्र सरकार ये 7,60,000 मकान को वापस लेती है और अब भविष्य के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यक्रम से छत्तीसगढ़ को पृथक किया जाता है। यानी आने वाले समय में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ छत्तीसगढ़ को नहीं मिलेगा, जो बड़ा लक्ष्य था 2022 तक सबके लिए आवास का पूरा हिंदुस्तान में हो रहा है। अकेला उदाहरण छत्तीसगढ़ है जो इतना बड़ा नुकसान कि 11,800 करोड़ रुपया इस मकान के एवज में 60% की राशि 11,600 करोड़ रुपया, यानी इतनी बड़ी राशि जो राज्य सरकार को मिलना था केंद्र सरकार के द्वारा उस राशि को लेने में असफल हुई है। यानी 11,000 करोड़ का नुकसान स्टेट के गरीबों का हो गया। अगले साल के बजट में इतने ही मकान मिलते जो 7 लाख मकान, वो मकान का भी नुकसान हुआ। इस प्रकार 14 लाख से ज़्यादा आवास का नुकसान इस छत्तीसगढ़ के अंदर
हुआ है और ये इस बड़ी असफलता है कि गरीबों के मकान छीनने वाला भूपेश बघेल जो वित्तीय प्रबंधन में पूरी तरीके से फेल हो गया, जगह जगह जाके इनाम ले रहा है और ऐसे इनाम ले रहा है जो इनाम लेने की बात ये होती है जब गरीब के मकान में घर बनाने की योजना शुरू करे तो इनाम गरीबों को मिलेगा, ये पेपर में रोज एडवर्टीज छपा के कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बड़ी असफलता जिसके बारे में मैं चिन्हांकित आज करना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में हमने 2017 से शुरू किया योजना रेडी टू ईट योजना में 20,000 से ज़्यादा स्व सहायता समूह के बहनों के लिए हमने रेडी टू ईट बनाने के लिए उनको अनुमति दी और ये पूरे छत्तीसगढ़ के 20,000 से ज़्यादा बहनें इस काम में करती हैं। और अचानक इन्होंने निर्णय लिया कि इस महिलाओं को देने वाला स्व सहायता समूह को रद्द कर दे और अब ये इसको प्राइवेट एजेंसी को देने के लिए एक बीज निगम को के माध्यम से ठेकेदार, वो भी महाराष्ट्र हरियाणा का ठेकेदार, शराब का ठेकेदार, उसको ये पूरा काम दिलाने का षड्यंत्र किया और ये पूरे महिला बेरोजगार हो जाएगी। ये रोजगार तो नहीं दे पाए किसी को, रोजगार देने के दो ही जगह इन्होंने देखा, शराब के दुकान में, घर बहुत सेवा में रोजगार दे रहे हैं। सरकार अजीब सरकार है जो आरोप केंद्र के ऊपर लगा देती है, कोई भी बात हो मोदी जी जवाबदार, तुम बारदाना नहीं खरीद सकते। मैं 15 साल मुख्यमंत्री था, 15 साल मुख्यमंत्री रहते हमने 15 साल धान खरीदी की व्यवस्था की, 15 साल में एक भी बार बारदाना की कोई कमी नहीं हुई। एक साल डेढ़ साल होते होते हाँफने लगी सरकार और अब तो ये हालत हो गया कि बोलने लगी आप अपना बारदाना लेके आओ 14 रुपया देंगे, 40 रुपया बाजार का बारदाना 14 रुपया देंगे, और बारदाना की व्यवस्था ना करने के दोषी बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी बारदाना की प्रधानमंत्री दुकान खोले हैं बारदाना का। बारदाना जो बनता है वो पश्चिम बंगाल में बनता है, वेस्ट बंगाल में बनता है, जूट का कमिश्नर इसके लिए ऑर्डर नहीं, पैसा है नहीं आपके पास, इसलिए बारदाना आपको लेट मिलता है और अब यहाँ नाटकबाजी दिखा रहे हो। जूट का कमिश्नर इसके लिए ऑर्डर नहीं, पैसा है नहीं आपके पास, इसलिए बारदाना आपको लेट मिलता है और अब यहाँ नाटकबाजी दिखा रहे हो। बारदाना पूरी व्यवस्था चौपट हो जाएगी धान खरीदी की, इस बार आप देखते रहिए कि क्या। अभी नंद कुमार साय ने कहा है कि हमें मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया गया, इसमें किन वरिष्ठ नेताओं का हाथ है कि एक आदिवासी व्यक्ति के साथ ये अन्याय हुआ है? 15 साल में क्या हुआ, कितना क्या हुआ, महानदी में बहुत पानी बह चुका है, नए धार आने लगे, नई पानी आने लगी, अब उस मुद्दों को लेकर उन समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछा जा सकता है, उसका जवाब डॉक्टर रमन की पास नहीं। पीएम आवास के लिए वो उनका कहना है, मतलब कांग्रेस का, कि ये अपनी GST दे दे, कोयला की पेनाल्टी राशि दे दे, इससे हम वो निर्माण काम को आगे जारी रखेंगे, ऐसा इनका कहना है। अरे भाई, पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो पैसा मिलता है वो समय समय पर पूरी राशि, पूरी पैसा इनको मिलता है, वित्तीय दृष्टि से इनका कुप्रबंधन इसके लिए जवाबदार है। आप आवास के लिए इन्हें पैसा नहीं निकाल सकते और आप बोलते GST के लिए, हर सरकारें पूरे हिंदुस्तान में एक भी सरकारें नहीं है जिसने GST के इतनी बड़ी राशि को लौटाया है, अकेला छत्तीसगढ़ है जो संकट में है, बाकी राज्यों में नहीं है। नागरी निकाय के चुनाव में आपकी पार्टी हार गई थी, तो अभी उपचुनाव हो रहा है, तो अभी क्या तैयारी है आपकी, क्या मुद्दा लेके जाएंगे? नागरी निकाय में अभी प्राथमिक तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है और 15 नगरीय निकाय में परीक्षक बन गए हैं, सीनियर लोगों की जवाबदारी दे दी गई है, बैठके का दौर चल रहा है और हम 2-3 दिन के अंदर प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया हो जाएगी, बेहतर तालमेल के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे और जैसा 3 साल की असफलता है तो जनता इस बार भूपेश को करारा जवाब देगी और निश्चित रूप से एक सबक सिखाने का भी अवसर रहेगा जनता का। सर नाराज क्यों रहते हैं, जब आप मुख्यमंत्री थे तब भी नाराज रहते थे, अब नहीं है तब भी नाराज है? शायद कुमार साय नंदकुमार नाराज नहीं है भाई, हमारे तो बहुत खुल के मिलते हैं, बढ़िया बातचीत होती है, चर्चा होती है, आज तक हमने आमने सामने तो कभी नाराजगी देखी नहीं। रेडी टू ईट को लेकर कांग्रेस नेताओं का बयान आया है कि कमीशन खोरी करने वाले लोग कमीशन की बात ना करें। अरे महिला स्व सहायता समूह रेडी टू ईट बना रही है, उससे हाथ में लेकर प्राइवेट एजेंसी को दे रहे हो, हरियाणा के शराब ठेकेदार को,
कमीशन कौन खा रहा है 40 करोड़ रुपया, इसका जवाब कौन देगा? क्या वो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले पैसा देते हैं बेचारे गरीब लोग? ये आपके सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अरे कोई सरकार सेल्फ हेल्प ग्रुप को देना बेहतर है कि अरबपति ठेकेदार को देना? अच्छा आप ही सफेद बकेल कह रहे हैं, और उसमें तो आपकी भी जिम्मेदारी, किसान तो आपके भी है, 15 साल सरकार। देखिए परचेसिंग जो डिमांड होता है और जिस प्रकार पीडीएस के लिए केंद्र सरकार खरीदती है, पीडीएस उसना में पीडीएस पे उसना कोई लेता ही नहीं। छत्तीसगढ़ में यदि उसना आप दे दोगे तो लोग उस चावल को फेंक देंगे, तो उसना का डिमांड नहीं, इसलिए अरवा का डिमांड हो रहा है। तो जिसका डिमांड होता है उसी को तो सरकार बनाएगी चावल। यदि अरवा नहीं बनाएगी तो फिर डिमांड कहाँ पूरा होगा? पूरे कानून वापस लिया है मोदी सरकार, बैकफुट का यूपी चुनाव नहीं, यूपी चुनाव को लेकर नहीं। जो मुद्दा मोदी जी ने बहुत साफ शब्दों में कह दिया था कि यदि हम किसानों को समझाने में असफल हुए हैं, हमारी नीयत और हमारी नीति ठीक थी, तो यदि इसके बाद भी किसान यदि भ्रम की स्थिति में कुछ राज्य के किसान हैं, तो हम इसको वापस लेने में कहीं संकोच नहीं करेंगे, कोई जिद का सवाल नहीं है। बाद में लगता है कि जनहित में ठीक है, नीति अच्छा था, नीयत ठीक थी, सरकार का लक्ष्य ठीक था, और उसके बाद भी लोग समझ नहीं पाए तो वापस ले। बहुत देर बाद समझ में आया कि वो किसान है खालिस्तानी हुआ करते थे, और या जो 700 लोग मरे हैं क्या उन्हें शहीदों का दर्जा दिया जाएगा? देखिए ये मुद्दा अलग अलग राज्य सरकारों से जुड़ा हुआ विषय है, और इनको शहीद का दर्जा दें कि ना दें ये विषय पार्लियामेंट तय करेगा। धन्यवाद।